दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको थनेला के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक बताने वाला हूँ। बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सा है थनेला में, जिसका इस्तेमाल करके और थनेला को ठीक किया जा सके। देखिए, बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जो मेरे सामने अभी पड़े हैं और इनके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊँगा अभी कि कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि थनेला कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं है। थनेला एक विस्तृत चीज़ है और जो इसके पैथोजेंस होते हैं, जो इसको करने वाले कारक होते हैं, जो कि बैक्टीरियल कारक ज़्यादा प्रभावी होते हैं, और बैक्टीरियल में भी कौन सा बैक्टीरिया है इसको पहचान करके अगर आप उसी ग्रुप का एंटीबायोटिक यूज़ करें तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी और जो भी समस्याएं हैं वो तुरंत दूर हो जाएगी। और यही चीज़ें हम लेते हैं हमारे ऑनलाइन सेशन में, जो कि हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है, रामावत एनिमल ऐप पर होता है। वहां आप वेट क्लास में जाकर के कंप्लीट प्रक्रिया जान सकते हैं और लेकर के अपने आप को सुपीरियर बना सकते हैं। वो तो चीज़ रहेगी अलग, लेकिन यहाँ वेट क्लब चैनल पर भी आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ हमेशा मिलती रहती है। उसी के तहत आज मैं आपको बेस्ट एंटीबायोटिक बताने जा रहा हूँ कि जब आपको पता नहीं है, जांच की सुविधा नहीं है, या आपने लक्षणों से नहीं पहचाना कौन सा बैक्टीरिया है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे। आपको एक चाहिए विशेष एंटीबायोटिक जो कि यूज किया जा सके। अब विशेष क्या है, विशेष के लिए कुछ चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, और वो यह है कि थनेला के लिए अगर हम बेस्ट एंटीबायोटिक की बात करें तो उनमें नंबर वन पर जिसका नाम आता है, और अच्छा भी है, सस्ता भी है और बेस्ट भी है, ज़्यादा सस्ता तो नहीं है लेकिन अच्छा है, जिसका नाम है एमोक्सिलिन फोर्ट। एमोक्सिलिन फोर्ट जो है वो थनेला में बहुत ज़्यादा यूज होता है। पेनिसिलिन ग्रुप का ये है लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के साथ साथ इसमें जुड़ा हुआ है भाई बीटा लैक्टम के रूप में इनहिबिटर, जो होता है ना बीटा लैक्टम इनहिबिटर के रूप में साल्बेक्टम भी जुड़ा रहता है। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक पाउडर फॉर्म है, साथ में डिस्टिल वाटर है, दोनों को मिला करके लगाया जाता है, और इसका जो रूट है वो दोनों रूट से आईएम और आईवी इसको लगाया जा सकता है। और तीसरी बात, थनेला में इसको इंट्रा मेमरी भी लगाया जा सकता है, यानी कि जरूरत पड़ी तो थन के अंदर भी लगाया जा सकता है। सबसे बेहतरीन ये है, बड़ों में लगाएं तो डोज इसकी 4.5 ग्राम ही रखनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्याई हुई है तो जाहिर है बड़ी है, तो 4.5 ग्राम की डोज लगाई जाती है। और इसको जब भी लगाया जाता है 3 दिन तक लगातार लगवाया जाता है। आप ध्यान रहे, वीडियो देख करके कभी भी खुद इलाज ना करें, पशु चिकित्सक से ही आपको ट्रीटमेंट करवाना है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो वेट्स क्लब चैनल है वो कम्प्लीटली आप लोगों की डिमांड पर चलता है। डिमांड आ रही थी मैस्टाइटिस के सुपर इंजेक्शन बताइए, तो उसी के लिए मैं सुपर एंटीबायोटिक आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो ये होगी पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें, ये ग्रुप आपने देख लिया पेनिसिलिन ग्रुप है, ठीक है, समझ लिया। सेकंड जिस ग्रुप की हम बात करें और वो है सेफेलोस्पोरिन ग्रुप। जी हाँ, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप भी इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप इस ग्रुप का कोई लॉन्ग एक्टिंग लेना चाहें तो आप जा सकते हैं सेप्टीजोक्सिन सॉल्ट पर, और सेप्टीजोक्सिन जो सॉल्ट है उसका इंजेक्शन आता है एमसेप्ट के नाम से। ये डायग्राम का भी आता है, तो ये 3 ग्राम का भी आता है। 3 ग्राम वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि बड़े पशुओं में ही यूज होता है, तो 3 ग्राम ही इसके लिए सफिशियंट रहता है। इसका भी रूट सिर्फ आईवी है, सिर्फ आईवी ही लिया जाता है, लेकिन कई पशु चिकित्सक इसका इस्तेमाल इंट्रा मेमरी भी करवाते हैं, तो वो आपके पशु चिकित्सक तय करेंगे कब इंट्रा मेमरी लगाएंगे और कब इसको आईवी लगाएंगे। तो ये भी भाई बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है, जो कि थनेला के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। और उसी ग्रुप का एक अन्य एंटीबायोटिक है जिसका नाम है इंटरसेप्ट टेजो। भाई टेजो का भी मुकाबला नहीं है। टेजो 2 प्रकार से आता है, 33-75 और 4.5 ग्राम। जैसा कि मैंने कहा, बड़े जानवरों में हमेशा 4.5 ग्राम ही इस्तेमाल किया जाता है, तो 33-75 छोटी गायें हैं, फर्स्ट टाइमर उनमें यूज कर लीजिए, बाकी 4.5 ग्राम को ही इस्तेमाल करवाया जाता है। ये जो है ना, ये जब एक बार लगा दिया जाता है तो 96 आवर तक काम करता है, 96 घंटे तक काम करता है, जबकि ये बेचारा 12 घंटे तक काम अच्छा करेगा और अगले 12 घंटे में पशु की इम्यूनिटी के साथ मिलकर के वर्क करेगा, बस यही है। और जो पहला मैंने बताया था ना आपको अभी एमोक्सिलिन फोर्ट, इसका भी यही है, 12 घंटे काम करेगा और फिर अगले 12 घंटे पशु की इम्यूनिटी के साथ मिलकर के थोड़ा बहुत काम करेगा।
यानी इतना अच्छा वर्क इसका नहीं रहता, क्योंकि ये 12 से 24 घंटे ही वर्क करते हैं। और यहाँ भाई लंबा वर्क है तो बैक्टीरिया को वृद्धि को रोकना और मारना दोनों इसमें अधिक प्रभावी रूप से हो जाते हैं। अगले अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें, मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि जो एंटीबायोटिक्स है इनमें से किस किस का चयन करना रहता है, ये बात भी बताऊंगा। तो देखिए अगला हम लेते हैं और वो ग्रुप है क्विनोलोन ग्रुप्स। जी हाँ, क्विनोलोन ग्रुप भी कम नहीं है भाई कनेला के लिए, ये भी बहुत गजब का वर्क करता है। अगर आप किसी का भी निवेदन रहा हर एक ग्रुप के बारे में बताने का, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप मैसेज देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारा वेट्स क्लब आप लोगों की डिमांड पे ही चलता है, तो आप जो भी डिमांड करेंगे हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे वो वीडियो लेकर के। तो आप जरूर डिमांड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट होने चाहिए, बस यही हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ क्विनोलोन ग्रुप में अगर हम बात करें तो दो प्रकार की श्रृंखलाएँ हैं, सुपर भी है तो नॉर्मल भी है। अगर हम नॉर्मल में लें तो फोर्टिविर इंजेक्शन एंड्रोफ्लोक्सासिन सॉल्ट है इसके अंतर्गत, और ये जो सॉल्ट है एंड्रोफ्लोक्सासिन भाई गजब का वर्क करता है। ग्राम पॉजिटिव जितने भी मैंने बताए हैं ना, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे ही काम करेंगे, क्योंकि तभी तो थनेला को दूर करेंगे भाई। तो इसके लिए इम्पोर्टेंस इसकी भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो थनेला के लिए ये भी बहुत अच्छा है। तीसरा ग्रुप हमने यूज़ किया है इसके लिए और वो ये है ये। अब इसी ग्रुप का यानी क्विनोलोन ग्रुप का एक अन्य एंटीबायोटिक, हालांकि है ये भी थर्ड जनरेशन का, लेकिन भाई कमाल है, जो है मोर्बोफ्लोक्सासिन। और इसका इंजेक्शन यहाँ भाई ने लगाया है, वो है मोर्बोडेक। जी हाँ, मोर्बोफ्लोक्सासिन का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। और इसके अगर हम लेवल की बात करें तो इसको अगर प्रॉपर डोज में लगाया जाए तो ये काम करता है कंटिन्यूसली 48 आवर्स तक अच्छा और 72 आवर्स तक नॉर्मली, तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये सब चीज़ें प्रभावी तरीके से करने के लिए ज़रूरी है कि अच्छी तरीके से सारी पहचान हो सके। अब यहाँ एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा, और वो है कि बाई द वे फंगल मेस्टाइटिस हो, जहाँ माइकोप्लाज्मा का भी इन्फेक्शन हो, तो अगर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है तो वहाँ क्या करेंगे भाई, वहाँ फिर ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। वहाँ फिर हमें कोई ना कोई मैक्रोलाइट्स जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो कौन से हैं, वो दो प्रकार के हमें अभी मार्केट में मिलते हैं। नंबर वन सबसे पुराना और अच्छा चल रहा है जिसका नाम है टाइलोसिन। जी हाँ, टाइलोसिन टार्ट्रेट बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है और इसका इस्तेमाल थनेला में होता है। वैसे तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ही काम करता है, लेकिन भाई माइकोप्लाज्मा के खिलाफ काम करने की वजह से इसका जो उपयोग है वो थनेला में बहुत ज़्यादा आता है। इसी का एक अपग्रेड रूप है जिसको हम बोलते हैं टिल्मिकोशिन। तो टेलमिकोशिन का भी इस्तेमाल किया जाता है और उसका भी करवाया जा सकता है, लेकिन ये अच्छा है और इसको 24 घंटे से रिपीट करना होता है। टेलमिकोशिन है जिसका टिल्मोटिल ब्रांड जो आता है, वो अगर आपने एक बार लगा दिया, देखो इन सब पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में या जो भी आपको हमारा वीडियो चाहिए ना, तो रामावत वेट क्लब लगा करके और आप अपने वीडियो की जो भी चाहते हैं वो लगा दीजिए, आपके सामने यूट्यूब पर वीडियो हाजिर हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा है और इसका इस्तेमाल भी करवाया जाता है, ये सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी इंट्रामस्कुलर है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आईवी हो गया, और ये इंट्रामस्कुलर और आईवी दोनों रूट से लगाया जाता है इंटरसेप्टेज। अब आप इनका समावेश कैसे करेंगे, कोई कहेंगे साहब इतने सारे एंटीबायोटिक बता दिए तो क्या सब लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, आपको इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करवाना होता है अपनी गाय भैंस, किसी एक का ही इस्तेमाल करवाया जाता है। क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होते हैं हमेशा एक ही इस्तेमाल होता है, आप ये पूरा ध्यान रखिए। अब यहाँ एक बात लास्ट में आई थी जो टाइलोसिन वाली आई थी, हाँ इन सब के साथ टाइलोसिन का इस्तेमाल अगर पशु चिकित्सक को लगता है कि यार माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर टाइलोसिन का इस्तेमाल साथ में करवाया जा सकता है। साथ में का मतलब साथ में, ना कि मिला करके, मिला करके नहीं होगा। मैंने एक वीडियो में बोला था कि इन दो का इस्तेमाल साथ कर सकते हैं, तो लोगों ने कहा अरे सर साथ कैसे करें, साथ का मतलब इलाज के दौरान, एक इलाज के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलाना नहीं है। तो ये जो तीनों ग्रुप मैंने बताए हैं ये ग्रुप बहुत अच्छा वर्क करते हैं थनेला में, लेकिन साथ में जो अगला हमने लिया है वो भी भाई टाइलोसिन भी कम नहीं है। तो एंटीबायोटिक इतने चयन किए जाते हैं, इसके अलावा भी देखिए
दवाएं कभी समाप्त नहीं होती, नई नई खोज हो रही है, नए नए जनरेशन की मेडिसिन आ रही है। हालांकि ज़्यादा नई जनरेशन की मेडिसिन यूज़ करने से नुकसान भी होते हैं कि पुराना जो मामला है ना वो डप हो जाता है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का आप लोगों की डिमांड पे ही था मेरा उद्देश्य। तो भाई बेस्ट है, इसके लिए बेस्ट है।